गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नवीन। नवीन मैम इतने दिनों से कहाँ थी? क्लास क्यों नहीं ले रही थी नवीन? ओके, कोई बात नहीं। देखो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। ध्यान से सुनना, ठीक है? हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। और क्या पढ़ रहे थे? कि जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट होते हैं और उनमें हम किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करवाते हैं, यानी जनन करवाते हैं, और जनन करवा के हम किस प्रकार से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है? इससे पहले वाले जो लेक्चर थे हमारे चैप्टर नंबर 9 के रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के, उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हम बाय विजिटेटिव, उसमें बर्डिंग प्रोसेस द्वारा, ठीक है? इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, सीड फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये डिफरेंट मेथड थे और इनके द्वारा हम क्या करते थे? एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है? इसके बाद हमने पढ़ा था फ्लावर्स के बारे में कि फ्लावर्स क्या होते हैं, ठीक है? एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो ये बताओ कि फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं? फ्लावर दो प्रकार के होते थे, कौन कौन से? यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल, ठीक है? इसके बाद इसका जो अगला टॉपिक है वो है पोलिनेशन, ठीक है? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पोलिनेशन के बारे में, यानी पर परागण के बारे में, कि किस प्रकार से हम एक पुष्प के पर परागण यानी स्टेमन को दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है? तो पोलिनेशन का मींस होता है पर परागण। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो कि पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलेन फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा आर नोन एज पोलिनेशन, आर नोन एज पोलिनेशंस। इसको हम क्या बोलते हैं? पर परागण कहते हैं। यानी जब हम पर परागण करवाते हैं तो एक पुष्प के स्टेमन लेते हैं और दूसरे पुष्प के स्टिग्मा लेते हैं और दूसरे फ्लावर को क्या करवाते हैं? ट्रांसफर करवाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जो पोलिनेशंस होता है यानी जो पर परागण होता है, ऑलवेज वन फ्लोवर यानी हमेशा एक ही फ्लोवर पर होता है, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर, यानी ओनली ओनली वन फ्लोवर। फ्लोवर तो हम टू भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों फ्लोवर कैसे होने चाहिए? सेम वेराइटी के, सेम वैरायटी। देखो फ्लोवर तो हम दो भी ले सकते हैं जब हम इसमें करवाएंगे ना पर परागण, ओ सॉरी सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, उसमें हमें वन या टू, दो दो फ्लोवर की आवश्यकता होगी। लेकिन दोनों फ्लोवर कैसे होने चाहिए? सेम वैरायटी के होने चाहिए। जैसे हमने रोज का फ्लोवर लिया है तो दूसरा भी रोज का ही लेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं तो एक रोज का ले लिया, कमल का ले लिया, ठीक है? ऐसा कुछ ही नहीं है। पर परागण हम वन पुष्प में भी करवा सकते हैं, यानी एक फूल में भी करवा सकते हैं, दो फूल में भी करवा सकते हैं, लेकिन दोनों फूल कैसे होने चाहिए? सेम वैरायटी के होने चाहिए, यानी सेम फ्लोवर होने चाहिए। ये तो थी हमारी डेफिनेशन। इसके बाद बेसिकली पोलिनेशंस आर टू टाइप, यानी हम बात करते हैं कि पोलिनेशन आर
टाइप। पोलिनेशन हम दो प्रकार से करवा सकते हैं, आवाज तो आ रही है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके यस मैम। पोलिनेशन आर टू टाइप। जो पोलिनेशन होता है, जो पर परागण होता है, वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है सेल्फ पोलिनेशन, सेकंड होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मीन्स होता है एक ही पुष्प, ओनली वन फ्लावर, और क्रॉस पोलिनेशन की बात करूं तो इसका मीन्स होता है टू फ्लावर, और दोनों फ्लावर कैसे होने चाहिए, सेम वैरायटी के, ठीक है? इसमें हमने दो फ्लावर तो लिए हैं, ठीक है, ताकि एक का इस्तेमाल ले सके, एक का स्टिग्मा ले सके। लाइन टू लाइन समझो, आराम से समझ में आ जाएगा कि पोलिनेशन का मीन्स होता है क्या होता है कि किसी पुष्प के स्टेमन उसकी स्टिग्मा पर ट्रांसफर करवाना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन में हम वन फ्लावर या टू फ्लावर भी ले सकते हैं। अगर वन फ्लावर लेंगे तो वो सेल्फ पोलिनेशन होगा, अगर टू फ्लावर लेंगे तो वो क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। इसके बाद सेल्फ पोलिनेशन में ओनली वन फ्लावर रहते हैं, यानी इसका मीन्स है सेल्फ पोलिनेशन को हम स्व पर परागण कहते हैं, यानी उसी का तो स्टेमन है और उसी की स्टिग्मा है, तो उसी के स्टेमन को उसी पुष्प की स्टिग्मा पर ट्रांसफर करवाना, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं किसकी, क्रॉस पोलिनेशन की, तो क्रॉस पोलिनेशन का मीन्स होता है टू फ्लावर लेते हैं और दोनों फ्लावर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक पुष्प का स्टेमन लेते हैं और दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर क्या करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम से समझेंगे कि बेसिकली इनका जो डायग्राम होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन की बात करती हूँ, तो इसमें किसका ट्रांसफर करवाते हैं, ट्रांसफर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा, इसमें भी ट्रांसफर करवाते हैं, लेकिन एक पुष्प का स्टेमन लेंगे और दूसरे पुष्प का स्टिग्मा लेंगे, तो ट्रांसफर ऑफ वही स्टेमन टू स्टिग्मा, इसमें वन फ्लावर इसका लेंगे और वन फ्लावर इसका लेंगे, यानी इसमें कितने फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है, हमें टू फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद सबसे पहले हम डायग्राम से देखेंगे कि सेल पोलिनेशन हम कैसे करवाएंगे और क्रॉस पोलिनेशन हम किस प्रकार से करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। मैम हमें भी बनाना है क्या डायग्राम? यस, प्रैक्टिस करना है, आपके नोटबुक और पेंसिल साथ रखो ताकि आप लोगों की मेरे साथ प्रैक्टिस हो जाए डायग्राम की। एक बार अभी बनाओगे, एक बार आप सेम नोटबुक में बनाओगे, तो आपकी दो दो बार प्रैक्टिस करने से आपको डायग्राम आराम से बनाना आ जाएगा। तो आप नोटबुक और पेंसिल ले लो और जैसे मैं बनाती हूँ वैसे डायग्राम बनाओ, ठीक है।
अगर हमें सेल्फ पोलिनेशन करवाना है, ठीक है, अगर हमें सेल्फ पोलिनेशन करवाना है तो ओनली एक फ्लोवर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मुझे क्रॉस पोलिनेशन करवाना है तो सेम टू सेम एक फ्लोवर और लेंगे। अभी बताती हूँ कि हम सेल्फ कैसे करवा सकते हैं वन फ्लोवर में और क्रॉस कैसे करवा सकते हैं टू फ्लोवर में, ठीक है। एक बार आप लोग डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये भी क्या है स्टिग्मा, ये क्या है दोनों पुष्प के एंथर यानी एंथर यानी स्टेमन। तो हम कैसे ट्रांसफर करवाते हैं देखो, ये है दोनों पोलेन यानी एंथर, ठीक है। इसको अगर इसी पुष्प के, देखो सबसे पहले हम एक पुष्प की बात करते हैं, ठीक है, इसी पुष्प के स्टेमन यानी पोलेन को उठाकर हम इसी की स्टिग्मा पर अगर ट्रांसफर करवाते हैं, इसको उठाकर यहाँ से हमने ट्रांसफर करवा दिया तो इसी पुष्प का तो क्या है पोलेन स्टेमन है और उसी पुष्प क्या है स्टिग्मा है। तो ये प्रोसेस कितने फ्लोवर पे हो रहा है, ओनली वन फ्लोवर पे। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस पुष्प की स्टिग्मा ले लो या स्टेमन ले लो, कुछ भी ले लो, या इस पुष्प की स्टिग्मा ले लो, तो अगर मैं बात करूं कि इस पुष्प के पोलेन मैंने उठा के इस पुष्प की स्टिग्मा पे ट्रांसफर करवा दिए, ठीक है, कि इस पुष्प के स्टेमन उठा के मैंने इस पुष्प की स्टिग्मा पे ट्रांसफर करवा दिए, इसका मींस है मैंने एक फ्लोवर का तो क्या लिया है स्टेमन और दूसरे फ्लोवर का क्या लिया है स्टिग्मा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। तो ये कौन सा होगा, क्रॉस पोलिनेशन, समझ में आ गया। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का मींस क्या होता है, तो बेसिकली हमें कोई डेफिनेशन पूछे तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा, तो हम सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन बराबर यानी वन फ्लोवर, और वन फ्लोवर भी क्या करते हैं स्टेमन, स्टेमन फ्रॉम टू स्टिग्मा, क्या करवाते इसको ट्रांसफर, इसको तो बोलेंगे हम सेल्फ पोलिनेशन। अगर मैं बात करूं क्रॉस पोलिनेशन की, तो क्रॉस पोलिनेशन का मींस क्या होता है, यानी कितने पुष्प, दो फ्लोवर, टू फ्लोवर, तो हम बोल सकते हैं कि वन फ्लोवर स्टिग्मा यानी स्टेमन एंड वन फ्लोवर, वन फ्लोवर क्या ले वीडियो ऑन।
हम क्या पढ़ रहे थे? पोलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। समझ में आ गए यहाँ तक सबको? मानसिम इसको करो ना, स्क्रीन पे छोटा आ रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। क्या हुआ? स्टूडेंट्स पोलिनेशन समझ में आ गए सबको? यस मैम। समझ में आ गए ना सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके देखो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पोलिनेशन से कि पोलिनेशन में क्या करते हैं हम लोग कि पोलेन को ट्रांसफर करवाते हैं किस पे? स्टिग्मा पे। अगर हम एक ही पुष्प ले और उसी के स्टेमन को उसी की स्टिग्मा पे ट्रांसफर करवाए तो उसको हम कौन सा बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? क्रॉस पोलिनेशन की। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि एक पुष्प के स्टेमन को दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर क्या करवाते हैं हम लोग? ट्रांसफर करवाते हैं, जिसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इसके बाद में बात करती हूँ एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। एजेंट ऑफ पोलिनेशन, एजेंट यानी कारक की जो पोलिनेशन होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, तो ये बताना मुझे कि जब भी हम एक प्लांट लगाते हैं, ठीक है, जब एक प्लांट लगाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ के लिए उसे किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? प्लांट की ग्रोथ के लिए उसको किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की। वॉटर की, वेरी गुड। इसके अलावा? और इसके अलावा? विंड, हवा की, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम कि एक प्लांट को ग्रोथ करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं, यानी कारक होते हैं जो सीड्स को प्रभावित करते हैं और वो सीड्स क्या करता है? अच्छे से ग्रोथ करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फैक्टर्स की। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा विंड, हवा। कि एक प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट को हवा की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम छाया के अंदर कोई सा भी प्लांट लगाते हैं, ठीक है, छाया के अंदर अगर हम कोई सा भी प्लांट लगाते हैं तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। अगर प्लांट को प्रॉपर मात्रा में हवा ये ना मिले तो वो प्लांट क्या करता है? ग्रोथ नहीं कर पाता।
इसके अलावा हम सेकंड बात करें वॉटर कि प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वॉटर की, जानते हैं ना। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बिना वॉटर भी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जी जो बिना वॉटर क्या कर नहीं कर पाते हैं, बिना वॉटर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद है बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब ये बताओ कि मैम इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, कि जो एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, खाद, ठीक है, खाद उर्वरक। तो अगर हम प्लांट को प्रॉपर मात्रा में खाद और उर्वरक नहीं देंगे तो वो प्लांट ग्रोथ करेगा क्या, नहीं। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए बर्ड्स एंड एनिमल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ये तो कुछ फैक्टर्स है किसके, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन क्या होता है, किसी पुष्प के पोलन को उसकी स्टेमन स्टिग्मा पर ट्रांसफर करवाते हैं, उसे पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पोलिनेशन। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है इस टॉपिक में? नो मैम। टॉपिक में कुछ पूछना है? आज का हमारा ये टॉपिक छोटा टॉपिक था, बिल्कुल पोलिनेशन था, उसमें टाइप ऑफ पोलिनेशन था एंड एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन था, ठीक है। कुछ पूछना है आप लोगों को? No, ma'am. Okay, students. Thank you. Have a nice day, ma'am.